स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल जीरो में। आज हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर क्लास 12 का स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट वन एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छा से समझेंगे क्या है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन। देखो, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, बचपन से लेकर अब तक, तो बहुत सारा इन्वर्स ऑपरेशन सामने आया। इन्वर्स ऑपरेशन का क्या हो गया, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये एक दूसरे का इन्वर्स ऑपरेशन है। उसी तरह से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी इन्वर्स ऑपरेशन एक दूसरे का। ठीक है, तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि एकदम टॉपिक पे आते हैं। जैसे कि हमने एक फंक्शन दिया x^4, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4x³ होगा। इसका डेरिवेटिव 4x³, एक फंक्शन था x^4, उसका डेरिवेटिव हो गया 4x³। ये 4x³ आया x^4 से, मतलब कि हमने डिफरेंशिएशन करके ये लाया। और अब हमें, अगर हम बात करें कि हमें ये फंक्शन वापस चाहिए, ठीक है, x^4 का डेरिवेटिव किया तो 4x³ आया। अब हम तुमसे बोले कि 4x³ आया ना, किसका है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव 4x³ है, उस फंक्शन को पता करो। उस फंक्शन को पता करने के प्रोसेस को ही इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, जहां पे x^4 जो है वो एंटी डेरिवेटिव या प्रीमेटिव या इंटीग्रल कहलाएगा, किसका, 4x³ का। क्या 4x^4 का ही डेरिवेटिव 4x³ है सिर्फ? अगर मैं बोलूं कि x^4 + 6, इसका भी डेरिवेटिव 4x³ होगा। मैं कहूं x^4 + √5, इसका डेरिवेटिव भी 4x³ होगा। मैं कहूं x^4 + 6 + 2π, इसका डेरिवेटिव भी 4x³ होगा। मतलब कि जितना कॉन्स्टेंट टर्म होगा उन सब का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, ठीक है ना। यानी कि x^4 + c का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x³ होगा। यानी कि अगर हम 4x³ का इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, x^4 + c। यहां से जो फंक्शन आया, मतलब कि जो डेरिवेटिव का, मतलब यही इंटीग्रेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म आया, यही हुआ गया। इंटीग्रेशन का मेन जो था वही यही था कि जब हम लोग किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कॉन्स्टेंट टर्म सी देना पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, जैसे कि fx कोई फंक्शन है, इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव किया तो हमें क्या आया, डेरिवेटिव बोले इंटीग्रेशन किया तो fx आया और एक c आया। c क्यों आ रहा, समझ में आ रहा c क्यों दे रहे हैं हम लोग? जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे एक कॉन्स्टेंट c देंगे। जहां पे fx क्या है, इंटीग्रल या प्रीमेटिव, इंटीग्रल या प्रीमेटिव, ये नाम है इसका, प्रीमेटिव या एंटी डेरिवेटिव, कुछ भी बोल सकते हो, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स है। सी क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सी क्या, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एफएक्स, सिर्फ एफएक्स क्या कहलाएगा, इंटीग्रेंड कहलाएगा, इंटीग्रेंड कहलाएगा। ये क्या है, इंटीग्रल साइन है। एक्स क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। एफएक्स डीएक्स क्या है, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन का पार्ट हमने लिखा कि क्या क्या कहलाता है, ठीक है, इंटीग्रेशन कहां से आया ये हमने बताने की कोशिश किया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे क्या है, अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पे आ जाते हैं डायरेक्ट। अब ये तो इंटीग्रेशन समझ में आ गया। इंटीग्रेशन दो पार्ट से मिलकर बना, एक है डिफरेंट इंटीग्रल, एक है इंडिफरेंट इंटीग्रल। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो इंडिफरेंट इंटीग्रल है, इसके बाद हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा खासा बड़ा पोर्शन है ये इंटीग्रेशन चैप्टर, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम लोग इसका फॉर्मूला का बात करें, जैसे x^n इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x^(n+1)/(n+1)+c। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि x^x³ इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा, एक ऐड कर दो, 3+1 4, और 3+1 4 डिवाइड कर दो और एक कॉन्स्टेंट सी दे दो। मैं बोलूँ कि x^-5 इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा, x^-5+1 -4/-4+c, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो पहला फॉर्मूला था, अगर x हो, x^n हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या आएगा, x^(n+1)/(n+1)+c, एक c कांस्टेंट देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं e^x का इंटीग्रेशन।
तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होगा। अगर हम लोग बात करें a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, तो a टू दी पावर x का a टू दी पावर x बाय log a प्लस c होगा। अगर हम लोग बात करें वन बाई x का इंटीग्रेशन, तो ये क्या होगा, log x होगा प्लस c। अगर हम लोग बात करें साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का, तो ये होता है माइनस cos x प्लस c। अगर हम लोग बात करें cos x का इंटीग्रेशन, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन x प्लस c। अगर हम लोग बात करें sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो ये होता है tan x प्लस c। अगर हम लोग बात करें cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ये होता है माइनस cot x प्लस c। अगर हम लोग बात करें sec x tan x का इंटीग्रेशन, तो इसका होता है sec x प्लस c। अगर हम लोग बात करें cosec x इंटू cot x इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस cosec x होता है प्लस c। ये फॉर्मूला था। अभी जो हम लोग इंटीग्रेशन पार्ट वन है, उसमें ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनेगा। मेनली जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे वो इस फॉर्मूला पे बनेगा। इसके ऊपर एक और फॉर्मूला बनेगा, इसी फॉर्मूला नहीं है वो, बस बेसिकली कॉन्सेप्ट जो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं जरा सा, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो। टू टू दी पावर लॉग फोर एक्स डी एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने। टू टू दी पावर लॉग फोर एक्स, फोर बेस फोर और एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा सा कुछ फॉर्मूला जरा सा जान लो, जैसे कि लॉग एक्स है, फोर को लिख सकते हैं ना टू का स्क्वायर, तो ये क्या हो सकता है, वन बाई टू लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। वन बाई क्यों होगा, ये इसका फॉर्मूला है, वो मैं लॉग का एक वीडियो बनाऊंगा। सीबीएसई वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, एसएससी वालों को नहीं, क्योंकि एसएससी क्लास 11 में लॉग चैप्टर था, 11 बोल रहे हैं, 9 क्लास में लॉग चैप्टर, सीबीएसई वालों को नहीं है। तो मैं एक लॉग के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये 1 बाई टू लॉग एक्स होगा, और ये जो 1 बाई टू है, ये लॉग एक्स टू द पावर 1 बाई टू हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, लॉग एक्स टू द पावर एन हो तो एन लॉग एक्स हो जाएगा, और अगर एन लॉग एक्स हो तो लॉग एक्स टू द पावर एन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, लॉग रूट एक्स, ठीक है, लॉग रूट एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखो, टू टू द पावर लॉग टू रूट एक्स डी एक्स, और ये वन हो जाएगा, ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, ये वन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट एक्स, यानी एक्स टू द पावर वन ही बचेगा। और एक्स टू द पावर वन का इंटीग्रेशन करेंगे, बहुत ही आसान है, एक्स टू द पावर वन बाई टू प्लस वन बाई वन बाई टू प्लस वन प्लस सी, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया ऐसे ही एक, ठीक है। इस अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, इसको बाद में करते हैं, इसको ही बाद में करते हैं, ये पहले कर दीजिए। क्वेश्चन देखकर डर लगेगा, पर डरने की जरूरत नहीं है, इसमें सारे फॉर्मूला एक साथ यूज हुए हैं, ठीक है, मतलब मैक्सिमम फॉर्मूला इसमें यूज हो गया है, ठीक है। देखा जाए, इसको क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। थ्री साइन एक्स है, थ्री साइन एक्स जो जैसे पहले फिलहाल वैसे ही रखते हैं, थ्री साइन एक्स है, फोर कॉस एक्स है, इसको वैसे ही रखते हैं। वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो फाइव सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। वन बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो सिक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। टेन स्क्वायर एक्स, हालांकि टेन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला अभी तक हम लोग तो नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, मतलब सेक स्क्वायर थीटा, क्लास टेन में पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। और कॉट स्क्वायर एक्स है, अगेन यहाँ आप देखो, कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास टेन में। तो माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को यहाँ पर रखो, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रखो, और ये इधर चला जाएगा, तो वन माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, और ये पूरा डी एक्स है, ठीक है, ये पूरा डी एक्स है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला था, ठीक है। अब देखो, ये थ्री साइन एक्स है, फिर से इसको वैसे ही रखो, थ्री साइन एक्स चाहो तो इंटीग्रेशन कर सकते हो, पर मैं नहीं कर रहा। फोर कॉस एक्स, यहाँ देखो फाइव सेक स्क्वायर है और एक सेक स्क्वायर है, सिक्स सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सिक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, तो सेवन कॉसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस वन प्लस वन कट गया, ठीक है, ये हो गया।
अब साइन एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, थ्री माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स, ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो प्लस सेवन कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पीछे जो छोड़े थे उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ साइन टू द पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस टू द पावर सिक्स एक्स, पहले साइन टू द पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस टू द पावर सिक्स एक्स को सॉल्व कर लेते हैं। ए टू द पावर सिक्स बी टू द पावर सिक्स, मैं इसको पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए टू द पावर सिक्स प्लस बी टू द पावर सिक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर क्यूब प्लस बी स्क्वायर क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या किसी को पता है? बिल्कुल पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला दो होता है, मैं ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ए और बी, हमने ए की जगह पे क्या रखा है साइन एक्स रखा है, चलो यहाँ पुट कर दो ना अगर चाहो तो, चलो ठीक है फिर से करते हैं इसको, ज़्यादा सही रहेगा। साइन टू द पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस टू द पावर सिक्स एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स थ्री और कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है। ये क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला मैंने बताया अभी, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी प्लस ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो वन होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं क्लास टेन में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पुट कर देंगे वन का क्यूब वन हो जाएगा माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो वन ही होता है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ ये बात तो समझ में आ गई। अब वन बाई इसको अलग अलग कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, और चाहे अलग अलग कर लेते हैं या फिर इसको साथ में रखते हैं अभी, माइनस 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 थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट गया, ये वन बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, ये तो समझने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं वन की जगह पे मैं फिर से लिख सकता हूँ क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री डी एक्स, मैंने इसको वन की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फिर से लिख दिया। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, वन बाई कॉस स्क्वायर बचेगा, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा, और कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, वन बाई साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा फिर से, यहाँ क्या आ जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस थ्री, यही आएगा, एक बार तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। अब सेक स्क्वायर एक्स से क्या होता है टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स से क्या होगा माइनस कॉट एक्स, और थ्री है, थ्री कॉन्स्टेंट है, और वहाँ पर डी एक्स है, डी एक्स का इंटीग्रेशन देखो ये थ्री डी एक्स है, ठीक है, मैं इसको जैसे यहाँ पे करना चाहूँगा थ्री डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन थ्री कॉन्स्टेंट है मैंने बाहर ले लिया, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा सिर्फ, मतलब कि सिर्फ x थ्री इंटू एक्स ये हो गया, ठीक है, और प्लस सी, ठीक है, टेन एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला हो मतलब सॉल्व हो गया, सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स टेन इनवर्स एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसको सॉल्व कैसे करेंगे जैसे जानते हैं, ठीक है, जैसे देखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, तो सेक एक्स को लिख सकते हैं वन बाई कॉस एक्स, और टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और ये क्या हो गया टेन इनवर्स, और ये डी एक्स, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स ये वन प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स, देखो
वन प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है जो बहुत ज़्यादा यूज होगा इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन में, भर भर के इस तरह कॉन्सेप्ट है इसका। वन प्लस साइन एक्स है, वन प्लस साइन एक्स है, ठीक है, वन प्लस साइन एक्स है। साइन एक्स को लिख सकते हैं ना, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ चुके हम लोग, साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो सिर्फ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ये होगा, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, और वन यानी कि साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी कि वन प्लस साइन एक्स क्या आ गया, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या कॉस एक्स है, सिर्फ कॉस एक्स है, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ना, जानते हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कॉस एक्स का क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे टैन इनवर्स वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स का क्या आया था, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ भी लिख देंगे वैसे ही, ये कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और ये डी एक्स हो गया। देखो एक ही ये और देखिए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, डी एक्स। समझ में आ रहा होगा उम्मीद है, यहाँ बहुत सारा फॉर्मूला यूज हो रहा है। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड कर देते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, जगह नहीं है, मैं इसको इरेज कर दूँ, समझ में आएगी क्या होगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ अब, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन एक्स, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ टेन इनवर्स साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, या यूं कह लेते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं कॉस एक्स बाई टू से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो कॉस एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू कट के वन हो गया, साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू क्या होगा, टेन एक्स बाई टू होगा, ये वन होगा, ये टेन एक्स बाई टू होगा, मतलब कि क्या होगा यहाँ, वन प्लस टेन एक्स बाई टू बाई वन माइनस टेन एक्स बाई टू, ठीक है। अगेन वन की जगह पे लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स बाई टू बाई वन माइनस टेन पाई बाई फोर, वन होता है और टेन एक्स बाई टू। मन में क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ टेन पाई बाई फोर वन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हम इसको फॉर्मूला में लाना चाह रहे थे, कौन सा फॉर्मूला में लाना चाह रहे थे, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला में लाना चाह रहे थे, और हम लाभ भी दिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, टेन इनवर्स पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू डी एक्स, देखो गड़बड़ कर दिए, ये क्या है, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट के भीतर ले लो। अब टेन इनवर्स टेन हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ चुके हैं, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू डी एक्स। पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, एक्स का इंटीग्रेशन, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ एक्स होगा, ठीक है, पाई बाई फोर एक्स, और ये क्या होगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी। उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी हम समझा पाए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, बहुत सारे फॉर्मूला यूज हो रहा था, फिलहाल अभी तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो स्टार्टिंग है, ये तो शुरुआत है, अभी टफ क्वेश्चन आना बाकी है, ठीक है।
ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन करते हैं अब। साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अगेन ये क्या है, a टू द पावर 8 माइनस b टू द पावर 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 का स्क्वायर। अभी देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यानी a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 और a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 b टू द पावर 4। अगेन इसको ब्रेक कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये सारे के सारे क्लास 8 में फैक्टराइजेशन चैप्टर में तुम लोग पढ़ चुके हो। बस इसी को क्या कर रहा है, साइन कॉस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ला दिया इसमें। ये ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सेम उसको भी हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x को। देखो साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x, जरा ध्यान से देखना, यहां भी लिख सकते हैं साइन टू द पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस टू द पावर 4x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x, और फिर साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। इसको फिर से लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको क्या कर सकते हैं, ये a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 है, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, इसको देखो ये a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे हम, इसको sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश किया, माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब जैसे देखो ये तो वन हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक्स माइनस साइन के साथ, ये तो वन हो गया, ये तो वन हो गया, ये तो पूरा इसके साथ था, यानी कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा टू साइन स्क्वायर एक्स, हाँ इसको वैसे ही रखते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, माइनस कॉस टू एक्स बचेगा, माइनस कॉस टू एक्स हो गया। ये कॉस टू एक्स का फॉर्मूला था, अभी हम कुछ देर पहले बता रहे थे कॉस टू एक्स है, और ये भर भर का है ये कॉन्सेप्ट, साइन टू एक्स कॉस टू एक्स, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कॉस टू एक्स हो गया, माइनस कॉस टू एक्स हो गया, और क्या हो गया, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये और ये तो कट गया, तो बचा क्या, माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स, और कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स बचा, कॉस टू एक्स का क्या होगा, माइनस साइन टू एक्स बाई टू प्लस सी। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, वो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, वो मैं शुरू में बताने वाला था पर मैं भूल गया, एफ ए एक्स प्लस बी ऐसा कुछ रहा, इंटीग्रेशन करने को रहा, तो ये क्या होगा, एफ इंटीग्रेशन करके जो भी आएगा, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है ए, वो कॉन्स्टेंट नीचे आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। वापस आते हैं, देखो अगर साइन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, अगर साइन एम एक्स है, सबके लिए ये अप्लाई होगा, माइनस कॉस एम एक्स बाई एम प्लस सी, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सेक स्क्वायर एम, सेक स्क्वायर एम एक्स, सेक स्क्वायर एम एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर क्या होगा, टेन एक्स, टेन एम एक्स बाई एम, एक्स का कोएफिशिएंट एम, डिफ्रेंसिएशन में करते थे ना हम लोग, क्या करते थे, मान लो साइन ए एक्स दिया हुआ है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, वाई इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, वाई डैश साइन क्या होगा, कॉस ए एक्स, और फिर ए एक्स का डेरिवेटिव करते थे तो एक्स तो ए मल्टीप्लाई में है एक्स के साथ, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, ए कॉन्स्टेंट आ जाता है, सेम वही कुछ प्रोसेस है यहाँ भी, टेन एम एक्स बाई एम, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे अभी, नहीं ये नहीं, तो यहाँ देखो कॉस टू एक्स था, कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टू एक्स, और एक्स के साथ कोएफिशिएंट क्या है, टू, वो टू नीचे आ गया, तो ये हम लोगों ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
ये क्वेश्चन नहीं करना है, अभी नहीं करना है, ये क्वेश्चन को बाद में करेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, इसको ये दो तीन बोर्ड में भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये क्या है, साइन एक्स, साइन टू एक्स, साइन थ्री एक्स। ठीक है, ये तो 1/2 ले लेते हैं यहाँ, तो क्या होगा, 2 साइन एक्स इंटू साइन टू एक्स और साइन थ्री एक्स। यहाँ पूरे के पूरे क्लास 11 का फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब तुम बोलो क्लास 11 में तुम पढ़े ही नहीं, बस मौज मस्ती करते करते क्लास 12 में आ गए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन करते रहोगे और बगल में जो भी क्वेश्चन करोगे बगल में जो फॉर्मूला आ रहा है उसको लिखोगे। जैसे कि साइन टू एक्स कॉस टू एक्स सारा फॉर्मूला क्लास 11 का है, ये सारे फॉर्मूला क्लास 11 का है। जो क्वेश्चन करोगे उस क्वेश्चन के बगल में जो फॉर्मूला आ रहा है उसको लिखते रहोगे, या कॉपी ले लोगे उस कॉपी में लिखते रहोगे, रीड करते रहोगे, वो दिमाग में बैठ जाएगा। या फिर सारे इंटीग्रेशन क्वेश्चन कर लोगे दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगा, सारा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/2 टू साइन एक्स साइन टू एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी यानी एक्स माइनस टू एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कॉस थ्री एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखे, साइन थ्री एक्स डी एक्स। 1/2 ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू साइन थ्री एक्स और ये कॉस थ्री एक्स इंटू साइन थ्री एक्स। ठीक है, तो 1/2 नहीं, अब देखो 1/2 और एक और 1/2 लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 देना है, 2 cos x sin 3x। ठीक है, और यहाँ 2 cos 3x into sin 3x। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला आ गया क्लास 11 का, 2 cos x साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स का। उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, इसका टू कॉस ए टू कॉस एक्स और साइन कॉस टू कॉस एक्स टू कॉस ए साइन बी, या यूं कह लेते हैं टू साइन बी कॉस ए। ठीक है, अगर हम इसको पहले ले लेते हैं तो क्या होगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, नहीं प्लस साइन ए माइनस बी, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1/4 क्या हो गया, यहाँ भी साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 4x और प्लस दे देते हैं साइन ए माइनस बी होगा तो साइन 2x हो जाएगा यहाँ dx, और dx नहीं, ये तो dx अभी नहीं कर रहे हम, और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला में आ गया यानी साइन 2x का आ गया यानी साइन 6x हो जाएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन करोगे, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला पे इंटीग्रेशन करोगे, सॉल्व करोगे, आ जाएगा। ठीक है, ये साइन 4x का क्या होगा, साइन 4x का क्या होगा, कॉस 4x माइनस कॉस 4x बाई 4। यहाँ पे क्या होगा, प्लस कॉस 2x बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 6x बाई 6, और बाहर में क्या है, बाहर में क्या है, 1/4 है, बाहर में क्या है, 1/4 है, प्लस सी। ठीक है, तो बस हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए, ख़त्म करते हैं आज क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।